हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए सिंपल टॉप लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक ली है, ये हमने 1 मीटर फैब्रिक ली है। तो सबसे पहले हम आपको कपड़े को फोल्ड करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और इसके बाद अब हमें इसे दोबारा से फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह हमने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। आप देख लीजिए, मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। हमारी जो टॉप है वो हमारी 21 इंच की तैयार हो गई, तो लेंथ हम 22 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 22 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर लें। और अब हम आपको टॉप पीस की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। सेम ड्राफ्टिंग आप पेपर पर भी कर सकती हैं। बन साइड की तरफ हमने इंची टेप को रखा है और शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल्स की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे हमें 6 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। और अब हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। चौड़ाई है 28 इंच, 4th हुआ 7 इंच और ये टॉप है तो इसलिए हम इसमें 1 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। चौड़ाई का 4th 7 इंच और 1 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आर्म होल से जो हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पर, वो हम कमर की ड्राफ्टिंग के लिए करेंगे। बेबी टॉप में कमर की ड्राफ्टिंग शोल्डर के अकॉर्डिंग की जाती है। शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं तो आर्म होल से जो हम मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए, वो हम 5.5 इंच पर ही कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग नहीं लेना है। कमर की ड्राफ्टिंग चौड़ाई के अकॉर्डिंग करेंगे। चौड़ाई हमने 8 इंच ली है तो 0.5 इंच हम यहाँ पे कम रखेंगे। तो हम 7.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं, 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो मार्क हमने किए हैं ऐसे हम पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और जो हमने मार्क किए हैं अब हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आर्म होल्स की तरफ। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट ले रहे हैं। चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है तो बॉटम पार्ट हम 9 इंच रखेंगे, 1 इंच अधिक रखेंगे बॉटम पार्ट चौड़ाई से। और 1 इंच फैब्रिक यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्क किया है और अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जो मार्क हमने ये किए हैं अब हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम बॉटम पार्ट की तरफ गोलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्क करेंगे खुली साइड की तरफ। 2 इंच पे हमें मार्क करना है और गोलाई करनी है इस तरह से। और यदि आप ये टॉप बड़े साइज़ की बनाएं तो ये गोलाई आप 3.5 इंच पर करें। और अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आर्म होल्स की जो लेंथ है वो है 6 इंच, तो इसके सेंटर पे मार्क करेंगे 3 इंच पर। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो मार्क हमने सेंटर पर किया है 0.5 इंच की दूरी पर हम एक मार्क करेंगे। इसी तरह से 0.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गला हम बॉटलनेक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। और गले की जो लेंथ है हम 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है और ये बॉक्स बनाना है हमें। और 1 इंच पर हम गोलाई करेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों ही नेक हम बराबर रखेंगे। तो साथ में ही हमने ड्राफ्टिंग की है। एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 0.5 इंच पर और गले की तरफ ऐसे तिरछा ड्रॉ करेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है, अब कटिंग करेंगे। दोनों गले साथ में कट करेंगे, फिर शोल्डर की तरफ से, फिर बैक आर्म होल्स की तरफ से, फिर हमें इसे साइड से कट करना है, फिर बॉटम पार्ट से
इसके बाद एक पीस को हम अलग करेंगे जो बैक पीस रहेगा। फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है और अब हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पीस की कटिंग कर ली है, हम आपको एक बार रख के दिखा रहे हैं। और बाजू की कटिंग करना और सिलना हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लें। तो टॉप पीस की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे, तो गले के लिए हमें पट्टियाँ कट करनी हैं। तो अब हमें फैब्रिक लेनी है, ये टॉप पीस हम अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ली है, बैक और फ्रंट दोनों गले की हम पट्टी कट करेंगे। तो हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। फैब्रिक को हमने फोल्ड लेयर में फोल्ड किया है। अब हमें टॉप पीस लेना है और सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की तरफ 2 इंच में मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें गले को ऐसे फोल्ड करके रखना है। ध्यान रखें जो गले की बंद साइड है वो इस पीस के बंद साइड की तरफ ही आप रखें और गले की चौड़ाई पे पहले मार्क कर लें 3 इंच पर, ताकि गला हमारा ज़्यादा खुला ना हो। तो यहाँ पे हम 3 इंच में मार्क करके ऐसे गोलाई करेंगे गले की, जिस तरह हमने गले को कट किया है। और गोलाई करने के बाद हमें इस लाइन से 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमने अभी अभी गोलाई की है। इस लाइन से हमें 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच रख रहे हैं, तो हमने इस लाइन से 1.5 इंच पर दूसरी लाइन ड्रॉ की है। अब आप इसे कट कर लें। तो पहले हम इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट करेंगे इस लाइन को, और इसके बाद अब हम सेकंड लाइन कट कर रहे हैं। तो इस तरह हमने गले के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं और एक बार हम इन्हें आपको रख के दिखा रहे हैं। तो टॉप पीस को हमें ऐसे सीधा रखना है और जो हमने ये पीस कट किए हैं गले के लिए इनको हम ऐसे बैक साइड की तरफ से रखेंगे और सिलाई लगानी है। तो अब हम आपको इन्हें सिलना बताएंगे। सबसे पहले हमने ये फ्रंट का टॉप पीस लिया है और इसे हमने सीधी तरफ से रखा है। अब हमें ये पीस लेना है गले वाला, इसे हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और आप ऐसे इसमें सिलाई लगा लें। आप इसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं या आप ऐसे ही सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद आप इस पीस को ऐसे फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा के इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लें, जैसे हम सिंपल गले को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस गले को बना लिया है और अब हमें दूसरा पीस लेना है और आप दूसरे पीस के गले को भी सेम ऐसे ही बना लें। इस पीस को आपको सीधा रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और सबसे पहले हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगाएं और इसके बाद मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक आपको सिलाई लगानी है और ये सिलाई आप दोनों तरफ लगाएं। पहले हम यहाँ पे शोल्डर पर सिलाई लगा रहे हैं और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगाएं। और फ्रेंड्स, जो हमारी ये टॉप है ये बहुत ही आसान है इसे सिलना और कट करना। फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और अब हम आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ड्राफ्टिंग करते टाइम मैंने आपको मेजरमेंट बता ही दिया था। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम इस टॉप को सीधा करेंगे। तो मैंने टॉप को सीधा किया है और अब हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। जब भी हम गोलाई को फोल्ड करते हैं, अम्ब्रेला कट हो, सर्कल हो, तो हम फैब्रिक 1/2 इंच ही रखते हैं फोल्ड करने में। तो यहाँ पे हमें डबल फोल्ड में 1/2 इंच फैब्रिक लेनी है और फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड ना करें, नहीं तो झोल आएगा। तो हमने
बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लिया है, इसके बाद आप बाजू लगा लें। बाजू लगाने की वीडियो हम अलग से अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लें। और जो हमारी ये टॉप है ये सिल के कम्प्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।